नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह की बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक महिला जिसकी उम्र 60 से 65 वर्ष बताई जा रही है, उसने तवी पुल के ऊपर से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। अब कारण क्या है, क्यों उसने छलांग लगाई है, लेकिन इस वक्त हम तवी पुल और कई सारी खबरें यहां से हम आपको दिखाते रहते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो अपनी जीवन लीलाएं यहां पर समाप्त करें। जिस स्पॉट पे हम है यहां से सुनने में आया कि यहीं से नीचे जो था वो यहीं से नीचे जो था वो उस महिला ने छलांग लगाई और कुछ लोग जो थे वो यहां पर भाग कर गए और उस महिला को वहां से रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसे पहुंचाया और यहां पर उस महिला की सुनने में आया कि मौत हो गई है। सुबह तो इस तरह की जानकारी नहीं थी, लेकिन जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक लगभग 10-10:30 बजे के करीब ये महिला आती है पुल के ऊपर और यहां से कूद जाती है और जिसके बाद सुनने में आया कि उसकी मौत हो गई है। ये हैरान करने वाली खबर है और ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर दिखती रहती हैं। कई युवा जो है वो यहाँ से आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। कई बार हमने कहा है कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का सारा खेल है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जहाँ से ये लोग कूद ना सकें तो हो सकता है कि लोगों की जान बचाई जा सकती है और उसके बाद जब क्रोध शांत हो जाए तो फिर तो ये सब ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सारा खेल हो जाता है और ये लोग गुस्से में आकर यहाँ से छलांग लगा लेते हैं और उसके बाद कईयों की जान जो है वो चली जाती है। कई अपनी जीवन लीला यहाँ से इस पुल से कूद कर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि ये जो 65 वर्ष की महिला है इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये कौन महिला है, कहाँ की महिला है, अननोन है। अभी तक पुलिस के पास भी इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन अब इसने क्यों छलांग लगाई, क्या इसके पीछे, क्योंकि 60-65 साल की महिला जो है वो उसमें काफी धैर्य होता है, समझदार हो गई होती है और इतना ज्यादा क्रोध गुस्सा तो हमें लगता नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर कोई महिला इस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है वो भी पुल के ऊपर से कूद कर, तो ये हैरानगी जरूर होती है कि आखिर मसला था क्या, क्यों उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। और पुलिस तो कहती है कि जब उन्हें जानकारी मिली तो उसके बाद अस्पताल लेकर गए जहां पर उस महिला की मौत हो गई, लेकिन पुलिस के पास भी जानकारी नहीं है कि वो महिला कहां की है, कहां से आई थी, क्यों वो कूदी, क्या कारण थे। अभी उसका शायद कोई प्रमाण पत्र भी उनको नहीं मिला है कि कौन ये महिला है, लेकिन जब जानकारी आएंगी तो जरूर वो हमसे साझा करेंगे, तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि आखिर ये मसला जो है वो आखिर है क्या। लेकिन महिला की उम्र मैं आपको बताऊं 65 वर्ष थी और इसी पुल के ऊपर से कूद कर तभी पुल से यहां से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थोड़ा सा घुमाकर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखें नीचे कि यहां पर पानी भी है और इस समय पानी ठंडा भी है, लेकिन ज्यादा पानी है नहीं, और अगर कोई यहाँ से कूदता है तो फिर उसकी बॉडी में कोई ना कोई फ्रैक्चर भी आ सकता है, अगर किसी की जान ना जाए, लेकिन फ्रैक्चर जरूर आ जाएगा क्योंकि गहरा पानी है नहीं, तो किसी की भी जान जो है वो जा सकती है। लेकिन हैरानगी की बात है कि 65 वर्ष की महिला ने पुल के ऊपर से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहे दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।